तो इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, इससे भी ज्यादा हॉट डिस्कशन है कि क्या एमएस धोनी फाइनली आईपीएल को अलविदा कह रहे हैं या अगले साल वापस आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि जब आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड में मिलेगा तो आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो धोनी के कमबैक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो 15 अगस्त 2020 का दिन तो आपको याद होगा, अगर आप एक धोनी फैन हैं तो वो आपकी लाइफ का सबसे उदास दिन रहा होगा। धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और अब फैंस उन्हें बस आईपीएल में देख सकते थे, लेकिन वहीं से धोनी के आईपीएल के रिटायरमेंट की खबरें तेज हो गई थी। धोनी की एज भी हो रही थी और फिलहाल भी वो 41 साल के हैं, पर उस वक्त पर ही धोनी ने ये क्लेरिफिकेशन दिया था कि भैया अगर संन्यास लूंगा तो अपने होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक के मैदान से लूंगा। अब 2 साल बीत गए, कोविड चल रहा था उस टाइम पर, आईपीएल अच्छे से इंडिया में नहीं हो पा रहा था, या फिर लास्ट सीजन अगर हुआ भी तो टीम्स जो थी वो अपने होम ग्राउंड में अच्छे से नहीं खेल पाई थी। लेकिन आईपीएल 2023 में सब कुछ नॉर्मल है और इसी के चलते इस सवाल पर चर्चा गर्म हो चुकी है। लेकिन इस सवाल से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो धोनी के संन्यास के बारे में भी बता रहे हैं और धोनी खुद अपने कमबैक के बारे में भी बता रहे हैं। तो देखिए, आईपीएल 2023 में संन्यास को लेकर खबरें शुरू होती हैं 21 अप्रैल से। सीएसके की टीम एसआरएच के अगेंस्ट जीत गई थी और धोनी ने कहा कि जब तक खेला जाएगा अपने करियर में तब तक खेलता रहूंगा। इसके 2 दिन बाद ही धोनी की जो टीम थी सीएसके, वो केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन में जीती और वहां पर धोनी ये बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये हजारों फैंस सीएसके की जर्सी पहन के आए हैं, ये मुझे मेरे करियर की लास्ट फेयरवेल दे रहे हैं। वहां से सबको लगा कि धोनी रिटायरमेंट कंफर्म लेंगे, लेकिन असली जो खेल था वो हुआ 3 तारीख को। 3 मई के दिन सीएसके की टीम लखनऊ के साथ खेल रही थी और बारिश के चलते वो मैच रद्द हो गया था। लेकिन टॉस के दौरान कमेंटेटर डैनी मॉरिसन धोनी से पूछते हैं, उनकी चुटकी लेते हैं कि आप अपने करियर का ये जो लास्ट फेज है इसे एंजॉय भी कर रहे हैं या नहीं। तो धोनी जवाब देते हैं और बोलते हैं कि ये आपने डिसाइड किया है कि मेरा लास्ट फेज है, मैंने नहीं। इसके बाद डैनी मॉरिसन चिल्ला के बोलते हैं सभी फैंस को कि खुश हो जाइए, धोनी अगले साल 2024 में फिर से आ रहे हैं। और इसके बाद असली आग जो सोशल मीडिया पर लगाई वो सुरेश रैना ने। धोनी के सबसे अजीज सुरेश रैना ये खुलासा करते हैं कि धोनी ने उनसे खुद कहा है क्लियर शब्दों में कि वो इस साल की ट्रॉफी भी जीतेंगे और अगले साल आकर खेलेंगे भी। तो देखिए, आईपीएल 2023 के सीजन में इतने सारे सवाल जवाब हो चुके हैं और सुरेश रैना का खुलासा है जिसने कंफर्म कर दिया है कि धोनी अगले साल आ रहे हैं। लेकिन इसका सस्पेंस इतना ज्यादा बन चुका है कि लोग KGF 3 के आने का वेट नहीं कर रहे, धोनी के अगले साल के आने का वेट जरूर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी 41 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, 5000 से उनके ज्यादा रन आईपीएल में हो चुके हैं और वो शायद अपनी जिंदगी में जितना कुछ अचीव कर चुके हैं वो कोई कर भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या ये परफेक्ट टाइम है धोनी के संन्यास लेने का, या फिर एक और सीजन बचा है धोनी के नाम का? आपको क्या लगता है, उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए अब या नहीं, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। ये खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमें फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।